गुन्हे शाखेच्या सामाजिक सुरक्षा पथकाने ऑनलाईन देहविक्री अड्ड्यावर छापा टाकून एका महिलेस पकडले आहे. स्मिता उर्फ आरती 37 वर्ष राहणार इमामवाडा असे अटकेतील दलाल महिलेचे नाव आहे. तिचा साथीदार सलमान उर्फ रोशन डोंगरे 30 वर्ष राहणार अंबाझरी या दोघांविरुद्ध सीताबर्डी पोलीस ठाण्यात गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली. यावेळी एका पीडित युवतीची सुटका करण्यात आली. दलाल महिलेचा साथीदार सलमानचा शोध पोलीस घेत आहे. आरती आणि सलमान हे दोघेही पीडित मुलीला पैशाचे आमिष दाखवून त्यांच्याकडून देह विक्री करून घेत होते. जी हमें पता चला था कि एक आरती नाम की महिला जिसका मोबाइल नंबर हमारे पास था, ये ऑनलाइन तरीके से बुकिंग करवाती है. उनको कस्टमर ने फोन करने के बाद वो उनसे बात करती है, उनसे एडवांस लेती है और उसके बाद वो लड़कियां उनको लड़कियों के फोटो भेजती है कुछ दिनों के बाद. और फिर जब वो कोई लड़की को चूज कर लेता है तो उसके बाद वो लड़की कब और कहाँ पे लाके देगी ये बताती है और उसके बाद बचा हुआ पेमेंट जो है वो ऑनलाइन से करती है. तो ये जानकारी मिलने के बाद हमने पंचों को बुला के 8 तारीख को पंटर पंचनामा किया. पंचों के सामने यहाँ पे पंटर ने फोन करने के बाद उन्होंने ये सारी चीज़ें बोली. 12,000 में सौदा हुआ लड़की के लिए. उसने बताया कि 4-5 दिनों के बाद मैं लड़की को अवेलेबल करके दूंगी. फिर शनिवार के दिन पंटर ने आके हमको बताया कि उन्होंने बताया है कि अभी लड़की अवेलेबल है और बर्डी में जो है एक मुख्य अभियंता महाराष्ट्र रस्ते विकास प्राधिकरण, वहाँ पे वो लड़की को अवेलेबल करके देगी. तो फिर हमने वही पंच जो पंटर पंचनामे में थे और उस पंटर को लेके फिर हम वहाँ पे गए और ये कार्रवाई की. इसमें एक पीड़ित हमको मिली है, उसको हमने रेस्क्यू कर लिया है. ये जो लेडी है जो आरती नाम बताती थी मोबाइल पे, जो कि उसका काम करने का नाम था, तो उसका असल नाम है स्मिता प्रेम ढोले. ये 37 साल की लेडी है और इसमें जो पीड़ित है वो भी ग्रेजुएट है, पढ़ी लिखी है, पर उसका कहना है कि आगे की पढ़ाई के लिए और उसकी गृहस्थी के लिए उसके पैसे की अधिक पैसे की ज़रूरत थी. और जो आरोपी है वो एक लेडी के लिए 12,000 रुपये लेती थी, लेकिन उसमें से 5,000 रुपये वो पीड़िता को देने वाली थी, मतलब उसी तरीके से करती है. इसमें जो फरार आरोपी है रोशन डोंगरे उर्फ सलमान, ये और ये आरोपी जो है आरती उर्फ स्मिता डोले, ये मिलके काम करते हैं.